काजल की चिता के ठंडा हो जाने के बाद उसकी बची हुई अस्थियों को वही पास पड़े एक मटके में भरकर उसके भाई प्रीतम ने सूखी नदी के पानी में बहा दिया। और ऐसा करते ही नदी में बह रहे उस मटके से एक रोशनी निकलकर आसमान की तरफ जाकर ओझल हो गई। यह देखकर प्रीतम बहुत इमोशनल हो गया और रोने लगा। सिद्धार्थ ने उसे संतावना दी और वे सभी लोग जल्दी ही उस हवेली की तरफ निकल गए। शाम ढलने को थी और रात होने ही वाली थी। हाथों में मशाल पकड़े हुए चारों लोग हवेली के दरवाजे के पास पहुंच गए। जैसा कि उन्हें काजल की आत्मा ने बताया था, सिद्धार्थ और उसके साथी अपने मन में वैसा ही ठान कर गए थे। लेकिन कुछ ऐसा भी था जो कि ना उन्हें पता था और ना ही काजल की आत्मा ने उन्हें बताया था। दिन भर की थकान के बावजूद वे सभी लोग आखिरकार उस भूता हवेली में पहुंच ही गए। वे लोग उसी पेड़ के चबूतरे की तरफ आगे बढ़े और इससे पहले कि वे वहां कोई खुदाई करने की सोचते, वहां पर अचानक चमगादड़ों का एक झुंड आ गया। करीब 50 चमगादड़ों ने एक साथ ही चारों पर हमला करना शुरू कर दिया। पहले मधुमक्खी से चूर खाने के बाद अब चमगादड़ पंजों से उन्हें नोचा जाने लगा। वहां अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। बूढ़े बाबा को समझ आ गया कि दरअसल वे चमगादड़े नहीं थे, वे उसी हवेली में भटकने वाली बुरी आत्माएं थी। सिद्धार्थ ने मशाल से चमगादड़ को डराने की कोशिश की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ, अब हम क्या करेंगे? ये चमगादड़ तो यहाँ से भागने का नाम ही नहीं ले रही है, गौरी ने कहा। बाबा, आप सरसों के दाने साथ लाए, हमें सबसे पहले इन आत्माओं पर भी उन दानों का छिड़काव करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी अपने चारों तरफ इन्हें बिखर कर एक सर्कल बनाना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें अपने और इस पेड़ के चारों तरफ उन दानों को फैलाना होगा, उसके बाद ही हम लोग अपना काम कर पाएंगे, बूढ़े बाबा ने कहा। बाबा ने सबके हाथों में थोड़े थोड़े सरसों के दाने दिए और चमगादड़ के आते ही उन चारों ने उन चमगादड़ के ऊपर सरसों के दानों का छिड़काव कर दिया। ऐसा करते ही वे चमगादड़ वहां से गायब हो गए। लेकिन तभी वहां पर उन्हें एक खौफनाक हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। पेड़ के पत्ते जोर जोर से आवाज करने लगे, फिर पूरा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा डरना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक तो ये भूतिया जगह है, यहाँ तो ऐसी चीजें होती ही रहेगी, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन जैसे ही वे लोग उस पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। वहां पर वही शमशान वाली बदसूरत चुड़ैल अपना सिर घुटनों पर रखे बैठी थी। वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी और अगले पल रोने लगी। गौरी और प्रीतम फिर से बहुत ज्यादा डर गए थे। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक थी, उसके बदसूरत चेहरे से खून टपक रहा था। मशाल के उजाले में वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके बड़े बड़े नाखून, लंबे बाल और उल्टे पैर देखकर उन सभी के दिलों की धड़कन कई गुना बढ़ गई थी। इस वक्त उन सब के हाथों में बाबा के दिए हुए सरसों के कुछ दाने मौजूद थे। इसका मतलब ये था कि वो चुड़ैल अभी उनमें से किसी पर भी हमला तो नहीं कर सकती थी। बाबा, अगर मैं समझने में गलती नहीं कर रहा हूँ तो यह वही चुड़ैल है जो उस दिन उस तस्वीर के अंदर जाकर गायब हो गई थी और शमशान में रूप बदलकर हमारे पास आई थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसी की लाश दफन होगी, सिद्धार्थ ने कहा। प्रीतम और गौरी, तुम्हें याद रखना होगा कि अगर हम इन ताकतों से डरने लगे तो ये हम पर हावी हो जाएगी। कमजोर दिल वालों पर इनका बस कुछ ज्यादा ही चलता है। लगता है बाबा, मुझे इसके चेहरे पर सरसों के दाने का छिड़काव करना ही होगा, तभी ये यहाँ से हटेगी। और इसके हटते ही हमें इस पेड़ के चारों तरफ से उन दानों से एक घेरा बनाना होगा। और अगर इस चुड़ैल ने हमें उस दिन ये खंजर वाली पहेली सुनाई थी तो इसका मतलब वो खुद चाहती है कि उसे मुक्ति मिल जाए, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन सिद्धार्थ, इन काली ताकतों का भरोसा नहीं किया जा सकता, इन्हें पलटते देर नहीं लगती, हो सकता है कि यह हमारा शिकार करना चाहती हो, बूढ़े बाबा ने कहा। अब तक उस चुड़ैल ने उनमें से किसी का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला था? अभी उनके देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल वहां से गायब हो गई। वो इस वक्त
अचानक गौरी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनते ही गौरी के हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथों से वो सरसों के दाने वहीं गिर गए। इससे पहले कि गौरी वहां से भागकर सिद्धार्थ के पास आती, उस चुड़ैल ने गौरी को पकड़ लिया। उसके नुकीले नाखून गौरी के चमड़ी को मूंछने लगे। गौरी दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। अब बस वो गौरी के गले पर अपने दांत गाड़ने वाली थी कि सिद्धार्थ ने अपने पास के सरसों के दाने उसके ऊपर फेंके और वो चुड़ैल ऐसे जोर से चिल्लाने लगी जैसे कि उसके शरीर में आग लगा दी हो। गौरी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो जोर जोर से हाँफने लगी। सिद्धार्थ ने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर गौरी को पानी पिलाया और उसे वहीं बिठा दिया। वो चुड़ैल अब भी वहीं पर चिल्ला रही थी, लेकिन इस सब से उस चुड़ैल पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला था। सिद्धार्थ इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसने गाय के गोबर के बने कंडे पर गुगल और लोबान जला दिया। उस धुएं खुशबू से वो चुड़ैल बहुत ज्यादा बेचैन होकर चिल्लाने लगी। सिद्धार्थ के पास काजल की चिता की राख अभी भी रखी हुई थी। उसने बिना देर किए उसे भी उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। ऐसा करते ही वो तुरंत वहां से हवा हो गई। प्रीतम जल्दी करो, हमें इस लाश को जल्दी निकालना होगा और इससे पहले कि वो चुड़ैल वापस लौट आए हमें इसे जलाकर उसे भी मुक्त करना होगा। सिद्धार्थ और प्रीतम ने वहां गड़ी उस लाश को जमीन से निकालना शुरू कर दिया। वो लाश बहुत ही पुरानी थी और उसके साथ जुड़ी आत्मा अब एक ताकतवर चुड़ैल में बदल चुकी थी। सिद्धार्थ के लिए जितना जरूरी उस खंजर को हासिल करना था, उतना ही जरूरी उस लाश का अंतिम संस्कार करना भी था। थोड़ी देर खोजने के बाद वहां एक कंकाल के ऊपर रखा हुआ पुराना बड़ा सा खंजर दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने उस खंजर को अपने साथ रख लिया। उस खंजर पर लिखा था, आगे की ओर चाहते हो बढ़ना अगर, पुराने तालाब में उतरो जहां है मगर, उस बड़े नीले पत्थर को करो हासिल, मिलेगी तुम्हें आगे की डगर। बाबा, इस खंजर पर लिखी इस पहेली से हमें आगे का रास्ता भी नजर आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी खुलने वाले दरवाजे में मुझे मेरे मम्मी डैडी नहीं मिलेंगे, सिद्धार्थ ने उदास होते हुए कहा। सिद्धार्थ, अब रात पहले ही काफी हो चुकी है, मैं तो यही कहूंगा कि हमें अभी उस चौथे दरवाजे के खुल जाने पर भी उसके अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बूढ़े बाबा ने कहा। अगर ऐसा है तो आप गौरी को लेकर यहाँ से चले जाइए, लेकिन मैं आगे बढ़े बिना खुद को नहीं रोक सकता। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इस भूता हवेली ने अपने अंदर ऐसे कितने राज छुपा रखे हैं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। बाबा, आप चाहो तो आप जा सकते हो, गौरी ने कहा। तो फिर चलो मेरे साथ आओ। सिद्धार्थ के ऐसा कहते ही बाबा ने भी वापस लौटने का अपना फैसला बदल दिया और वो भी सिद्धार्थ के साथ हवेली के अंदर जाने लगे। अंदर का हॉल फिर से वैसा ही था। सारे कमरों में फिर से मकड़ी के जाले लग गए थे। जालों को साफ करते हुए वे लोग आगे बढ़े। देखने में ये दरवाजा और सारे दरवाजों से भी कुछ ज्यादा ही खास था। लग रहा था जैसे चंदन की लकड़ी पर नक्काशी करके बनवाया गया था। उस पर लगा ताला पहले ही खुल चुका था। दरवाजा खुला तो वहां एक बहुत बड़ी रसोई थी। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाई, चम्मच, भट्टियां, चूल्हे और बाकी खाना बनाने के बर्तन रखे हुए थे। देखकर लग रहा था जैसे उस रसोई में हवेली के सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाया जाता रहा होगा। लेकिन उस रसोई के अलावा वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जिससे सिद्धार्थ को अपने पेरेंट्स के वहां होने का कोई सुराग मिल सके। वे लोग बड़े ध्यान से वहां पर रखे पुराने बर्तनों को देख रहे थे। उनमें कुछ पीतल के, कुछ कुछ तांबे के बर्तन थे। इसके साथ ही खाना खाने के बहुत सारे बर्तन वहां पर रखे हुए थे, लेकिन वे पीतल या तांबे के नहीं थे, वे सोने और चांदी के बर्तन थे। एक बात जो सबसे अजीब थी वो ये कि इतने सालों से बंद रहने के बाद भी उस हवेली में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन नए बर्तनों की तरह जगमगा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता था? क्या इसका मतलब ये है कि अभी भी उन बर्तनों में खाना पकाया जा रहा था? लेकिन अगर ऐसा था तो वहां खाना किसके लिए पकाया जा रहा था और खाना बनाने वाले कौन थे? जहां सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के दिमाग में यह सारे ख्याल चल रहे थे, वहीं प्रीतम के दिमाग में
कुछ और ही चल रहा था। उसके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका था। उसकी गरीबी एक ही दिन में दूर हो सकती थी अगर उसे वहां रखे सोने चांदी के बर्तनों में से कुछ थोड़े भी हाथ लग जाते तो उसे जिंदगी भर यूं पैसा के पीछे भागना नहीं पड़ता। प्रीतम इससे अपनी बीमार माँ का अच्छे से इलाज करवा पाता और उसके घर की हालत भी सुधर जाती। यूं तो प्रीतम बहुत ज्यादा लालची था लेकिन वो मजबूर भी था, तो क्या उसकी लालच और मजबूरी उसकी जान पर भारी पड़ने वाली थी? सिद्धार्थ ऐसा लगता है जैसे इन बर्तनों में आज भी कोई खाना पकाता हो। तो क्या इस हवेली में कोई आता जाता है? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है अंकल आंटी भी यहाँ पर अकेले नहीं होंगे, गौरी ने कहा। गौरी ये तुम कैसी बच्चों के जैसी बातें करने लगी? यह हवेली कई सालों से बंद पड़ी हुई है। मम्मी डैडी ने इसे खुलवाया जरूर था लेकिन उन्होंने बस सामने के हॉल और बाहर की सफाई करवाई थी। जैसा कि मुझे बजाज अंकल ने बताया था कि यहाँ पर काम करने के लिए वर्कर्स भी तैयार नहीं हो रहे थे, तो फिर यहाँ खाना कौन पका सकता है? सिद्धार्थ ने हैरान होते हुए कहा। जब वे लोग ये सारी बातें कर रहे थे तभी अचानक उन बर्तनों में से आवाज आने लगी। अपने आप चूल्हे में आग जलने लगी, वो कढ़ाइयां उन चूल्हों पर रखी जाने लगी। प्रीतम को छोड़कर बाकी सभी लोग वहां पर हो रही सारी बातों पर अपनी नजर रखे हुए थे लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ लालच समाया हुआ था। थोड़ी ही देर बाद वहां पर कुछ साए दिखाई देने लगे लेकिन जैसे ही वहां पर छुरी ऊपर उठी उन सभी लोगों की सांसें थम गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा वहां पर बड़ी बड़ी मूंछों वाले मोटे पेट वाले धोती पहने हुए रसोइये दिखाई देने लगे। डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से वे भुता रसोइये बड़े भयानक दिख रहे थे। प्रीतम को अभी यही लग रहा था कि उस पर किसी की नजर नहीं थी, इसीलिए उसने वहां से सोने और चांदी की दो दो कटोरियां उठाकर अपने जेब में रख ली। उसके वैसा करते ही एक हंसी की आवाज वहां पर गूंजी। प्रीतम पर तमाचों की बारिश होने लगी। उसे पड़ने वाले थप्पड़ इतने दमदार थे कि उसके गालों पर तुरंत लाल निशान छपने लगे। उसके होंठों से खून बहने लगा। बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हुआ था। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो प्रीतम पर हो रहे उन हमलों को रोक सके, क्योंकि न ही वहां पर कोई दिखाई दे रहा था और न ही उन्हें पता था कि प्रीतम ने ऐसा क्या किया था। थोड़ी देर में वहां पर एक कढ़ाई में तेल उबलने लगा और दूसरी कढ़ाई में पानी। सिद्धार्थ हमें उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि कहीं वे भूत उसे उस तेल में न तल दे, गौरी ने कहा। गौरी के ऐसा कहते ही बूढ़े बाबा ने अपने पास से अभिमंत्रित जल का प्रीतम की तरफ छिड़काव किया और प्रीतम पर होने वाले थप्पड़ों के हमले रुक गए। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि थप्पड़ से हो रहे हमलों के रुके जाने के बाद प्रीतम को उठाकर जमीन पर पटक दिया जाएगा। प्रीतम को बहुत बुरी तरह से पटक दिया गया था और वह दर्द के मारे तापने लगा था। वह दर्द के मारे जोर जोर से कहरा रहा था लेकिन तभी सबने देखा कि प्रीतम की जेब से वो कटोरियां बाहर गिर गई। सिद्धार्थ और बाकी लोगों को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वहां इतने लोग मौजूद थे लेकिन उन्होंने उसी पर हमला क्यों किया था। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि बाकी लोगों पर कोई हमला नहीं होने वाला था? तभी सिद्धार्थ को उसके आगे वाले कमरे में उसके मम्मी डैडी के चीखने की आवाज सुनाई दी। तो वहां आगे क्या होने वाला था? क्या किचन वाले विभूत सिद्धार्थ गौरी और बूढ़े बाबा को वहां से बाहर जाने देने वाले थे? क्या सिद्धार्थ ने अभी अभी जो आवाज सुनी थी वो पक्की उसके मम्मी डैडी की आवाज थी? प्रीतम का आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए।